थानेदार साहब नमस्ते। नमस्ते। एलिजा, ओ एलिजा। अरे मामा, बात क्या हैंगे? तुम बहुत खुश लग रहे हैंगे। लगता हैंगे मौसी ने हमारे लिए पकवान बना के भेजे हैंगे। जल्दी लाओ। हाँ, बहुत भूखे हैंगे। अरे भूखे तो पिताजी रहते थे, लेकिन फिलहाल हम तुम्हें जो खबर सुनाने वाले हैं, उसे सुन के तुम खुशी से पागल हो जाओगे। सुनो, हमारी कपड़ा मिल हर साल उन टेलरों में से किसी एक टेलर को इनाम देती है जो हमारी कपड़ा मिल से कपड़े का थान खरीदते हैं, और इस बार ये इनाम निकला है अलीजा टेलर का। मामा, उस पैसे से हमारी दुकान भी पक्की हो जाएगी और दो चार सिलाई की मशीन हम और डाल देंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बाहर आना होगा। तुम्हें दो तीन दिन तो हो गए हवालात में। ठीक है, हम थानेदार साहब से पूछते हैं कि तुम्हें वो कब छोड़ेंगे। हाँ पूछो पूछो। थानेदार साहब, क्या है पिता के पुत्र? आप हमें ये बताएंगे कि आप एलिजा को कब छोड़ेंगे? देख भाई, जब तक इसकी जमानत नहीं हो जाती हम इसे नहीं छोड़ सकते। और फिर इसने तो हवालात में आकर हमारे हवलदार के थप्पड़ मारा है, इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? अब इसका मतलब जब तक नहीं होगी इसकी जमानत, तब तक ये बन के रहेगा आपकी अमानत। बिल्कुल। एलिजा, तुम चिंता मत करो, हम आज ही मुकुंदी बाबू से तुम्हारी जमानत के बारे में बात करते हैं और कल ही तुम्हारी जमानत करवा लेते हैं। ठीक है? और हाँ, कल सुबह 10 बजे वो कपड़े के मिल वाला आदमी भी आएगा। हाँ, फिर आएगा मजा। नमस्ते जी। नमस्ते साहब। साहब, कुछ खाएंगे आप? हाँ, मजा आएगा। अब मजा आएगा। ओ ससुर का नाती थाने में छुपाए जाके। थाने में अब कल उसे ऐसा इनाम देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा कि ठाकुरों से बैर लेना कितना खतरनाक होता है। जय भवानी। अरे मुकुंदी बाबू, जरा सुनिए तो। कहा मामा, तुम्हें हमसे क्या काम आ पड़ा? अरे आपसे काम तो पिताजी को होता था। देखिए, हम आपसे ये कहने आए हैं कि एलिजा को हवाला से बाहर निकलवा लीजिए। का है? अरे अच्छा वाला अंदर आराम फरमा रहा है और सुताई का भी डर नहीं है। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, मामला उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। हमारी थानेदार साहब से बात हुई है, उन्होंने हमसे कहा है कि जब तक एलिजा की कोई जमानत नहीं लेगा वो उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है मामा, अगर थानेदार उसे जमानत पर रिहा कर भी देगा तो ठाकुर उसे बाहर पकड़ लेंगे, और फिर जमानत देकर भी उसे छुड़ाया नहीं जा सकेगा। तो इसका मतलब वो पूरी जिंदगी हवालात में सड़ेगा। एलिजा हमसे खुद कह रहा था कि वो बाहर आना चाहता है, इसलिए आप उसकी जमानत ले लीजिए बस। लेकिन मामा, लेकिन वेकिन छोड़िए, देखिए 2-3 दिन से हवालात में है एलिजा, है? और ठाकुरों में से भी इन दिनों में कोई नहीं आया है। इसका मतलब ठाकुरों को यकीन हो गया है कि एलिजा नाम का कोई भी आदमी इस लापतागंज में नहीं रहता है। और सोचिए और समझिए, इससे पहले कि गुस्से में आके थानेदार साहब ने कोई और केस एलिजा पे लगा दिया तो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फौरन जाकर के एलिजा की जमानत करवाइए। ठीक है मामा। हाँ, हमारे एक दोस्त हैं, वकील हैं। हाँ, हम उनसे जाकर बात करते हैं और कल सुबह एलिजा की जमानत का इंतजाम करवाते हैं। बस ठीक है, भूल नहीं जाना, ये नहीं कि घर में घुसे और भूल गए, याद रखना। नहीं, याद रखेंगे। किसे? इंदुमती को। अरे नहीं, इंदुमती के भाई को। हाँ, अपने साले को। हाँ, हाँ। समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अंदर। हम भी चलें? नहीं, फिलहाल आप बाहर जाओ। नहीं, एक एक चाय हो जाए। नहीं, फिलहाल हम चलें। हाँ, आप उधर चलें। ठीक है, सुबह की चाय साथ। भगवान जी, आप कितने दयालु हैं, आपने हमको 50,000 के इनाम जितवा दिए। बस अब वो सत्यनारायण कपड़ा मिल के लोग आते ही होंगे हमसे दस्तखत कराने और 50,000 के इनाम देने।
अरे ये मामा कहाँ रह गए हैं वे? हमसे तो बोले थे कि कल सुबह जीजा जी के साथ आएंगे और हमारी जमानत कराएंगे। चलो तुम्हारी जमानत हो गई है। लगता है मामा और जीजा जी आ गए हैं। खोलो खोलो। आओ। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। ठीक है लो यहाँ साइन करो। अच्छा तुम्हारी जमानत हो गई। अच्छा वकील साहब मामा कहाँ आएंगे? मामा कौन मामा? अरे वही जिन्होंने हमारी जमानत कराई हैंगी। अच्छा वो हाँ। वो ये रहे। अच्छा गुजरा वकील साहब। हमें मत छोड़िए, हमें अंदर बंद कर दीजिए। लेकिन तुम्हारी जमानत हो चुकी है और इन लोगों ने तुम्हारी जमानत कराई है, इसलिए कानूनन हम तुमको अंदर नहीं कर सकते। एलिजा टेलर बहुत नाच नचाए तू हमको, बहुत तोड़ तोड़ैया कराए, लेकिन अब पकड़ गए ना, अब क्या होगा बता? अब देखो हम तोहरी कागत बनाएंगे। हमारे भाई को पिटवाए थे ना तुम? क्यों गुरु, यही था ना वो? हाँ बुद्ध, यही था वो। नहीं नहीं नहीं, हमने जानबूझकर इनकी पिटाई नहीं कराई हेंगे। लेकिन हम तो तेरी जानबूझ के पिटाई करेंगे। मछरिया जाल में फंस गई। माफ कर दीजिए। कहा है? बहुत फुदका फुदकी हो गई। छपर 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 छपर। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। बहुत भागने का शौक है। भाग, भाग, भाग के देखा। भागा भागा? हाँ। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, जय हिंद। ए दरोगा! चूहे बिल्ली का खेल देख रहे हो? पकड़ो उसको! पकड़! देखो अब हम उसे नहीं पकड़ सकते क्योंकि तुमने ही तो उनकी जमानत कराई है। अबे तो हमको तो खोल सकता है कि नहीं, या उसके लिए भी जमानत के कागज लाए? हाँ तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं। अरे निकालो यार, नहीं बाहर। खोलो बड़ा बड़ा खोलो। नमस्कार सर। जी हम एलिजा की जमानत करवाने आए हैं। लेकिन उसकी जमानत तो हो चुकी है। क्या? अरे जमानत तो पिताजी की होती थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एलिजा की जमानत दी किसने? घनश्यामपुर के ठाकुर ने। इसका मतलब है ठाकुर ने एलिजा को पकड़ लिया? अरे नहीं नहीं, वो तो उन लोगों को बंद करके भाग गया, मैंने अभी खुलवाया। अच्छा, इसका मतलब एलिजा ने उन बेवकूफ ठाकुरों को गधा बना दिया। वैसे गधे तो पिताजी थे। लेकिन अब तुम दोनों बनोगे। तुम लोगों ने मिलके हमको बेवकूफ बनाया ना, कि एलिजा नाम का टेलर तो लापतागंज में रहता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, अरे मामा भाग लो। अरे मुकुंदी भैया, हुआ क्या है? हाँ आप तो एलिजा की जमानत करवाने गए थे ना? हाँ करवाने तो गए थे जमानत, पर होने वाली थी हमारी हजामत। क्या बक रहे हो मामा? अरे बकते तो पिताजी थे। हाँ तुम्हारे पिताजी भी एकदम तुम पर जो गए थे। मुकुंदी भाई आप बताइए क्या हुआ?
अरे कहा बताएं, इससे पहले कि हम एलिजा की जमानत करवाते, वो ठाकुर लोग पहुंच गए एलिजा की जमानत करवाने। क्या बोल रहा है मुकुंदी? ठाकुर एलिजा को उठा के लेके गए? हाँ मौसी, हमारी समझ के सुल्तानपुर में यही बात नहीं आ रही है कि उन लोगों को पता कैसे चला कि एलिजा थाने में बंद है। हाँ, जबकि ये बात तो खाली लापतागंज के लोगों को ही मालूम था, बाहर के किसी आदमी को तो मालूम ही नहीं था। ऐसा तो नहीं किसी ने किसी बाहर वाले को जाके बता दिया हो और उसने जाके उन ठाकुरों को? अगर किसी ने ऐसा किया है ना तो हम तो हम उसको उठा के पटक देंगे। अच्छा, मिर्चा भाभी, ये रही तुम और ये रहे हम, उठा कर पटक दो। मामा, इसका मतलब तुम? हाँ, हम। मामा तुम? हमें पता था लापतागंज में कोई भी खुराफात हो उसके पीछे मामा का ही हाथ होगा। हाँ। बकलोली कर रहा है, चुप कर। अरे बकलोली नहीं कर रहे मौसी, सही कह रहे हैं। मामा काम ही तो ऐसा करते हैं, पूछती काहे नहीं है इन्होंने ये कांड काहे किया। छोटू, क्या कह रहा है? तूने किसी को ये बात बताई है? हाँ, बताई थी। कहा मामा, तुमने किससे कहा कि अलीजा थाने में है और क्यों? मुकुंदी बाबू, जैसे एलिजा किसी की भलाई करके फंस गया, वैसे ही हमने किसी की भलाई करने की सोची और ये नतीजा निकला। क्या बोल रहा है? अरे मामा, लेकिन तुम किसकी भलाई का भिलाई करने चले थे? हाँ, एलिजा की है? हाँ, असल में बात ये थी कि कल जो है तो ठीक है, फिर 50,000 रुपए किसी और को मिल जाएंगे। 50,000? हाँ, हमारी कपड़ा मिल हर साल उन टेलरों में से किसी एक टेलर को इनाम देती है जो हमारी कपड़ा मिल से कपड़े का थान खरीदते हैं, और इस बार ये इनाम निकला है अलीजा टेलर का। हम कैसे माने कि जो आप कह रहे हैं वो सच है? अरे हम क्या झूठ बोलेंगे? हमारे बैग में पूरे 50,000 रुपए हैं जो हम अलीजा टेलर को ही देने आए हैं। ये देखिए, ये था। अब बताओ, हमने तो एलिजा का भलाई सोचा ना। अरे अब हमारी और अपनी भलाई के बारे में सोचो। वो ठाकुर लोग आते ही होंगे हमको ढूंढते हुए, क्योंकि उनको पता लग गया है कि हम लोगों ने उनका बेवकूफ बनाया है। कहाँ है वो दोनों? बोले। आप भाग के कहाँ जाओगे? अभी मजा चखाता हूँ तुम सबको। खबरदार, जो कानू आ गया है, और हमारी बहन इंदुमती की गैर हाजिरी में हमने जीजा को हाथ भी लगाया तो हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी भेज देंगे तुम सब लोगों को। बताए दे रहे हैं। हाँ, देंगे। चलो पीछे। देखिए ठाकुर साहब, आप लापतागंज में किसी को हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मौका पड़ा तो पूरा लापतागंज एक है। देखिए, हम तो आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो तो हवालात से फरार है, फिर अपना गुस्सा हम पर उतारने का क्या फायदा? और हम आपको बता दें, एलिजा ने कोई जानबूझकर आपके भाई को नहीं पिटवाया था। अरे जानबूझ के की हो या अनजाने में, लेकिन पिटा तो हमारा भाई है ना, और हमें यह भी मालूम है वो अलीजा भाग के यहीं लापतागंज में आया है और किसी न किसी घर में छुपा है। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी अपने पिताजी को लेके आएंगे। जानते नहीं हमारे पिताजी को? अरे बहुत बड़ा आंधी तूफान है, इतने बड़े सुनामी है वो कि उस टेलर में तो कहा उन सुनामी के आगे इन लापतागंज भी बह जाएगा। और हाँ, कह रहे हैं हम, जब तक हमारे पिताजी आएंगे ना तब तक अपनी खैर मना लो तुम बस।
चलिए भैया, इनसे तो आप पिताजी ही निपटेंगे। वो भी ऐसे कि ये लोग आने वाले 200 साल तक याद रखेंगे। याद तो जब रखेंगे ना, जब ये जिंदा रहेंगे। चलो चलो अभी। हे भगवान, अगर हम फिर से लापतागंज में ऐसे जाएंगे तो सब लोग हमें पहचान जाएंगे और फिर से कोई ना कोई उन पहलवानों को बता देगा कि हम लापतागंज में हैंगे। क्या करें? अरे, यहाँ तो उन ठाकुरों में से तीसरा भाई जरूर आएगा सुरीली के चक्कर में और हम पकड़े जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और छिपना होगा। यहाँ जहाँ भी छिपेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो फिर छिपे तो कहाँ छिपे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.